शॉपको ऐड के न्यू अपडेट से सब कस्टमर्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं, क्योंकि शॉपको ऐड की जो न्यू अपडेट आई है ये बिल्कुल भी कस्टमर्स के लिए सेटिस्फाई नहीं है। और इस अपडेट की वजह से बहुत से जो कस्टमर्स हैं ये क्विट कर चुके हैं और आगे जाके मज़ीद क्विट करेंगे। इस तरह से शॉपको ऐड्स का जो बिज़नेस है वो बिल्कुल ठप होने वाला है और ये वेबसाइट एक स्कैम में जाने वाली है, क्योंकि ये जो अपडेट है बहुत ज़्यादा घटिया अपडेट है। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपडेट के बारे में प्रॉपर बताऊंगा कि शॉपको ऐड्स की जो न्यू अपडेट आई है असल में ये क्यों आई है, किस वजह से आई है, और आपको अपना अकाउंट भी लाइव विज़िट करवाऊंगा और वहां से विड्रॉ करने की हम लोग कोशिश भी करेंगे, और आपको ताकि प्रॉपर पता चल सके कि शॉपको एड्स बेसिकली हमारे साथ मजाक क्या कर रही है, तो आगे और कितना मजाक करती रहेगी हमारे साथ। तो विदाउट एनी फर्दर डू चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ। तो जिस वक्त अभी आप मेरे अकाउंट पे आ चुके हैं, मैं आपको अपने अकाउंट पे ले आया हूँ, तो लाइव अभी हम लोग यहाँ से अपनी पेमेंट भी विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और जो इशू आ रहा है उसको भी लाइव देखेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि मेरा बैलेंस जो है वो 13.5000 मतलब कि $13.5 मेरा बैलेंस अवेलेबल बैलेंस है अभी अकाउंट में, और टुडे वर्क आ रहा है यहाँ पर $0.75 का। तो टोटल व्यूज ऐड जो है मेरे 900 हुए हैं और टुडे वर्क जो है वो 50 आ चुके हैं। तो जिस वजह से ब्रॉन्ज मैंने यहाँ पर अपनी पिछली वीडियो में बताया कि मैंने अकाउंट लिया हुआ है प्रीमियर, उसके अलावा यहाँ पर रेफलर्स कोई नहीं है 75 डेज, तो रेफलर विजिट जो आते हैं ये सब कुछ आपके पास यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद 3 मंथ्स की इसकी मतलब कि ड्यूरेशन होती है, तो उसके अंदर आपको पर डे $0.75 मिलते हैं, जो कि अब नहीं मिलते। अब आपको अपनी ही पेमेंट निकलवाने के लिए एक न्यू बंदा पकड़ के लाना पड़ेगा या फिर न्यू आईडी बनानी पड़ेगी, उसमें भी आपको उतना ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा जितना आपने अपनी प्रीवियस आईडी में इन्वेस्ट किया है। तो बी रिमेम्बर, अब नहीं वो मज़े। तो अभी हम लोग अपनी पेमेंट विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इश्यू क्या आ रहा है। तो अभी यहाँ पर हम लोग अकाउंट में जाते हैं, तो विड्रॉ हिस्ट्री जो मेरी फर्स्ट पेमेंट थी यहाँ पर मैंने अपनी पेमेंट विड्रॉ करने की एप्लीकेशन, मतलब ये जो एक वीक लेते हैं या फिर 2-3 दिन लेते हैं पेंडिंग पे जो जाती है, मेरी पेंडिंग पे 1 वीक पड़ी रही। उसके बाद विड्रॉ होने के बजाय वो जो $5 से मुझे मेरे अकाउंट में रिफ़ंड कर दिए गए, क्योंकि शॉपो एड्स की तरफ से एक न्यू अपडेट लाई गई है जो कि उनके खुद के पर्सनल मसाइल की वजह से हम कस्टमर्स को सही ऐसे ऐसे रगड़ के ये लोग धो रहे हैं और मज़ीद भी धोते रहेंगे। तो बराए मेहरबानी, बराए करम, अगर आपने शॉपको एड्स पे इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो निकलवाने की सोचें, ना कि मज़ीद इन्वेस्ट करें। बट यहाँ पर शॉपको एड्स ने माइंड ही अपने हिस्सा का लगाया है कि आपको अपने ही पैसे निकलवाने के लिए दोबारा पैसे देने पड़ेंगे और उस पैसे को निकलवाने के लिए फिर दोबारा पैसे देने पड़ेंगे और फिर उस पैसे को निकलवाने के लिए फिर पैसे देने पड़ेंगे। शॉपको एड्स का क्या माइंड सेट है, बट ये एक स्कैम की तरफ जाता जा रहा है और कस्टमर्स नाखुश हैं इस चीज़ से, क्योंकि मैं खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा इस चीज़ से गुस्से में हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि मैं ये वीडियो बनाना चाहता था अपने कस्टमर्स के लिए, क्योंकि कस्टमर्स के लिए मतलब मेरे अपनी ऑडियंस के लिए, यूट्यूब के ऑडियंस के लिए, कि भाई ये शॉपको एड्स का एक पाक हिस्सा से मतलब के साफ एक वेबसाइट है जिससे आप इन्वेस्ट करके 2 गुना ज़्यादा अपनी कमीशन कमा सकते हैं। बट डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा हुई है मुझे। बहरहाल जो भी है, आप सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा, आपने अपना बिजनेस बहुत ज़्यादा लूज कर दिया और मज़ीद आगे अगर ये अपडेट ऐसे ही रही तो मज़ीद और ज़्यादा आप लॉस होंगे अपनी बिजनेस में और अपनी वेबसाइट से भी आपको हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि ये स्कैम में जाता जा रहा है और स्कैम वेबसाइट हमें नहीं चाहिए, ना मुझे चाहिए, ना कस्टमर्स को चाहिए, और ना पूरे पाकिस्तान को चाहिए, और ना किसी और इंटरनेशनल क्लाइंट को जो भी आपका यूज़ कर रहा हो, नहीं चाहिए हमें ऐसी स्कैम्स वेबसाइट्स, क्योंकि आप लोग हमारे पैसे खा रहे हैं और अपने ही पैसे निकलवाने के लिए हमें फिर से पैसे देने पड़ रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा घटिया अपडेट है और बहुत ज़्यादा ही नीच थिंग आपने शायद सोची है। तो ये क्या सोच के ये अपडेट लेके हैं वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा, बट अभी हम लोग अपने विड्रॉ अमाउंट की तरफ चलते हैं और प्रॉब्लम क्या आ रहा है वो देखते हैं। तो विड्रॉ अमाउंट पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो हमारे पास माय अकाउंट आता है एंड आपका यहाँ पर ईमेल आता है, ईमेल के साथ आपको CINIC देना पड़ता है। अगर आपका अमाउंट मतलब कि मेरा जो अकाउंट है
वो ब्रॉन्ज है तो मैं मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो $5 ही विड्रॉ कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा ना, उससे ज़्यादा और ना उससे कम कर सकता हूँ। तो जिस तरह से आपके मतलब पैकेजेस होंगे, उस पैकेजेस के लिहाज से कोई $10 कर सकता है, कोई 15 कर सकता है, 20-40 अमाउंट इस तरह से कर सकता है। तो यहाँ पर पासवर्ड अपना लगाएंगे, तो यहाँ पर ये जो इन्होंने कोड दिया वही लगाते हैं, कैप्चा इसको कहते हैं। तो इसमें लगा लिया एंड विड्रॉ कैश करते हैं। और विड्रॉ कैश करने के बाद आपको पता चल चुका है भाई, सॉरी यू हैव टू ऐड वन पेड रेफरल फॉर योर नेक्स्ट विड्रॉ रिक्वेस्ट। तो भाई सॉफ्टवेयर अपनी औकात दिखाते हुए यहाँ पर बोल रहा है हमें कि सॉरी भाई, अपनी पैसे निकालने के लिए आप बराए करम एक और न्यू अकाउंट पकड़ के लाएं, वो बनाएं, उसके बाद अपनी पेमेंट लाएं। अब मुझे नहीं पता कि ये जो अमाउंट है अपनी अमाउंट निकलवाने के लिए, अगर हम एक अकाउंट न्यू बना भी लेते हैं, एक न्यू अकाउंट बना लेते हैं, तो ये वाली $5 की अमाउंट जाएगी या फिर ओवरऑल अमाउंट जाएगी। अब मैं इस चीज़ में कन्फ्यूज़ हूँ क्योंकि यहाँ पर लिखा यू हैव ऐड वन पेड रेफरल फॉर योर नेक्स्ट विदड्रॉ रिक्वेस्ट, मतलब कि ये वाली रिक्वेस्ट जाने के बाद ऐसा ना हो कि ये $5 तो हमें आ जाएँ, तो जब न्यू अमाउंट हम लोग निकलवाने जाएँ तो फिर हमें यही मसला दे रहा हो कि भाई फिर से पेड पकड़ के लेके आओ, उसके बाद अपना $5 लेके जाओ, 3,000 लेके जाओ, 5,000, 500 या 720 ऑलमोस्ट की $5 बनता है। तो मतलब 3,000 दे के 720 रुपये निकाल के ले जाओ। तो इनकी ये अमाउंट मतलब इनका ये सीन बन गया है। तो आपके सामने मैं सब कुछ क्लियर करके रख रहा हूँ, इस वजह से क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि आप मज़ीद इन्वेस्टमेंट ना करें इसमें, क्योंकि शापो एड जो है वो तो बहुत बर्बाद होने वाली है जो इसका मुझे सीन लग रहा है। और शापो एड्स को यही रिकमेंड करूँगा, अगर वो मेरी वीडियो देखें तो भाई इस अपडेट से जितना जल्दी हो सके आप निकल आएँ, क्योंकि ये ना आपके लिए ठीक है, ना आपकी सेहत के लिए ठीक है, ना आपकी वेबसाइट के लिए ठीक है, और ना आपके कस्टमर्स के लिए ठीक है। क्योंकि जिस बिज़नेस का कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो उस बिज़नेस को रन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए वेबसाइट छोड़ें, बंद करें, जिस पैसे आपने ले लिए हैं आपको फीसबिलिल्लाह सब बख्श देंगे। मैं तो बख्श रहा हूँ क्योंकि आपने मेरा तो चले छोटा अकाउंट है, अगर जिसके 4, 5 या 7 या 8 या फिर 10 अकाउंट हैं, वो भी महंगे वाले प्रीमियर अकाउंट, ब्रॉन्ज नहीं, जो कि 48,000 वाले या फिर 27,000 आई थिंक इतने का आ रहा है, तो इतने के अगर अकाउंट हैं तो उनकी बदवाएँ लगेंगी आपको, और क्या लगेगा, क्योंकि आपकी इस अपडेट से कोई भी खुश नहीं है। तो भाई ये अपडेट जो है ये आपके सामने है, और इस अपडेट को लाने का मतलब क्या है, ये अपडेट क्यों लाई गई। अब पिछले दिनों सुनने में आ रहा था कि शापो एड्स के जो एड्स पार्टनर्स हैं जिनसे ये बड़ी हैवी अमाउंट एक एड्स दिखाने के लेते थे, तो वो ज़रा पीछे हटते जा रहे हैं, मतलब कि उन्होंने शॉपो ऐड से शायद कटआउट कर लिया, या फिर वो अमाउंट नहीं दे रहे, मतलब पैसे उनको वक्त पे नहीं दे रहे। तो पहले ये इशू रहा कि वो पैसे मतलब उन्हें जो उनकी पेमेंट है वो वक्त पे नहीं दे रहे थे, तो शॉपो ऐड्स ने जो पेमेंट्स थी सबकी वो पेंडिंग पे लगा के रखी हुई थी, तो वहाँ से मुझे लगता है उन्हें पेमेंट नहीं मिली, उन्हें लात पड़ी आई थिंक। तो उन्होंने अपडेट अपने उस चीज़ को छुपाने के लिए, मतलब अपने अहली को छुपाने के लिए उन्होंने कस्टमर्स को एक न्यू अपडेट में डाल दिया जो कि स्कैम अपडेट का नाम है, जो कि मेरे ख्याल से तो स्कैम ही कहना चाहिए इसको, क्योंकि ये एक पेड रेफरल लाने के लिए, अपने ही पैसे निकलवाने के लिए फिर से आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, तो ये एक स्कैम से कम नहीं है। अगर कंपनीज आपको पैसे नहीं दे रही एड्स के, तो भाई आपको पहले देखना चाहिए था, आपको कोई ऐसी अपडेट लानी चाहिए। अगर नहीं पैसे दे रहे तो आप उन अकाउंट्स जो पहले रजिस्टर्ड हैं, मतलब जिन्होंने जो जो अकाउंट मतलब पहले से ही बनाए हुए हैं, तो उनको आप चलाएं, उनको पैसे उनके रिफंड करें जो उनके जितने भी दिन रहते हैं, उसके बाद आप अपनी वेबसाइट ही बंद कर दें अगर आपको लगता है कि आप नहीं चला सकते, क्योंकि आप वहां से उनसे भी पैसे ले रहे हैं, आप यहां से भी पैसे ले रहे हैं, और आपको कस्टमर को जब आप पैसे दे रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है, और आप अपडेट पे अपडेट लेते आ रहे हैं। बस समझिएगा ये कि ये जो शापो एड्स चल रहा है एक तरह से, ये पैसे ले रहे हैं अपने एडवर्टाइजर से भी जो हमें ऐड दिखा रहे हैं, और जो हम ऐड देख रहे हैं हमसे भी ये लोग पैसे ले रहे हैं, और ये लोग मतलब पता नहीं ये लोग कहाँ ये पैसा लेके जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अल्लाह जाने जो भी कर रहे हैं, बस इन्हें ज़रा होश आ जाए कि भाई होश में आ जाओ, ये जो अपडेट्स हैं, जो न्यू अपडेट्स आप ला रहे हैं, ये बिल्कुल भी मुफीद नहीं है, ना आपके लिए, ना आपकी सेहत के लिए, ना आपकी वेबसाइट के लिए, और ना ही आपके कस्टमर्स के लिए, क्योंकि मैं भी इस चीज़ का कस्टमर हूँ। जितना गुस्सा मुझे अभी आ रहा है अंदर से,
बाकी जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो देख रहे होंगे, जो शापो एड्स पे ऑलरेडी अकाउंट बना के बैठे हुए हैं, उनको भी इतना ही गुस्सा आया होगा। जिसके 10 अकाउंट है, 8 अकाउंट, 6 अकाउंट है, उनका जो गुस्से का लेवल होगा वो खुद ही आप सोच लें कि कहाँ तक पहुँच जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और इसके अलावा एक फ्री कोर्स जो कि यूट्यूब के बारे में है, जो कि मार्केट रेट 10,000 to 15,000 में मिलता है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलेगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और बेल आइकन भी प्रेस की, तब आपको ये चीज़ मिलेगी। वैसे भी मिल जाएगी, बट सब्सक्राइब कर दें तो बेहतर होगा मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए और आपको मेरा नॉलेज चाहिए। इस तरह से मेरा भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा। तो क्योंकि अगर इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के मैं कुछ बना रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा इसके पीछे मेहनत लगती है। वीडियो रिकॉर्ड करना, उसको रिकॉर्ड करके एडिट करना, एडिट करके एडिटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। ये समझ लें, एक वीडियो बनाते हुए आपको एक दिन लग जाता है, और एक दिन में बहुत चीज़ें हो सकती है, बट ये वीडियो बनती है जब आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो कुछ सिला हमें भी रिटर्न में मिलना चाहिए। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और शॉपो एड्स की छतरोल वाली वीडियो। अगर उन्होंने मेरी वीडियो देख ली या देख रहे हैं, तो बराए करम भाई इस अपडेट को जल्द से जल्द ख़त्म करें। अगर नहीं ख़त्म की गई तो मैं दोबारा इस पर वीडियो बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा, इसके अलावा और लोग बनाएंगे। तो आपकी जो वेबसाइट की जो पेमेंट का सीन चल रहा है, ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा और स्पैम में चला जाएगा। स्कैम्स में जब ये वेबसाइट आएगी तो आपको पता है कि आपकी वेबसाइट के साथ क्या होगा। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।